Hello, young chums. Today we will start the new chapter of our book Grammar Glitter Odyssey of Grade 5 by Brain Root. It's a product of Amit Publishing House. Hello, friends. I am your English trainer Pooja. Today we will learn the chapter 5 kinds of nouns of our book. A noun is a name of person, place, animal, thing, feeling, state or quality. ये definition class 1 में से हम पढ़ते आ रहे हैं कि नाम जो है किसी चीज़ का नाम, अब वो किसी person का हो, place का हो, animal का हो या फिर कोई feeling हो, कोई state या quality. Quality को भी हम noun कहते हैं. चलिए example से और clear हो जाएगा आपको. I keep my books in the cupboard. मैं कहाँ रखता हूँ? मैं अपनी books को रखता हूँ अपनी safe में, अपनी cupboard में, अपनी almira में, we can say. तो यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो books, एक cupboard. तो ये दोनों क्या हैं? ये noun हैं, किसी चीज़ के नाम हैं, किसी thing के नाम हैं. Denmark is an important country. Denmark क्या है? Denmark एक important country है. तो यहाँ पे एक नाम आया Denmark और country. इसके बारे में अभी हम explain करेंगे आपको. The doctor gives us medicine. Doctor हमें medicine देता है. तो doctor is noun here. तो today we will read the kinds of noun. There are 5 kinds of noun, friends. Common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. One by one in this chapter we will read about these nouns. What is common noun? जैसे कि हम बोलते हैं a group of persons, a group of peoples. तो वो क्या है? A bunch of grapes, a bunch of keys. जब हम एक common name देते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए, that is called common noun. A common noun are names given to common to all the persons or things. हर जो एक जैसी चीज़ें होती हैं उनको हम सबके नाम ना लेके एक नाम ले देते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉमन नाउन ऑफ द सेम काइंड, क्योंकि वो एक जैसी हैं. हम बोल देते हैं अब दो पेयर, एक पेयर है और उसके दो शूज एक जैसे, तो हम उनको क्या बोलते हैं? टेक केयर ऑफ योर शूज, सेड द टीचर. अब यहाँ पे सब हैं और सब पढ़ाते हैं तो उनको हम बोलेंगे टीचर. किसी को पर्टिकुलर नेम से नहीं बुलाएंगे. तो टीचर इज अ कॉमन नाउन टू ऑल दोज पर्सन्स हु टीच अस, हु एजुकेट अस, इज द कॉमन नाउन. ओके, द कैट एट द डोर बिलोंग्स टू आर नेबर. द कैट, अगर हमने बोला कैट तो दैट इज कॉमन नाउन, पर अगर उसको नाम से बुलाएंगे तो वो हो जाता है proper noun. If the name of the cat is Daisy, so if we call Daisy, then it's a proper noun. The door belongs to our neighbor. अब neighbor है, पड़ोसी है. पड़ोसी कौन से हो सकते हैं? एक घर छोड़ के भी हो सकते हैं, उसके आगे भी. तो if we say neighbor, it's a common noun. Proper noun. Proper noun are the names given to a particular person. किसी एक बंदे का ही, जो जिसको एक चीज को या एक ही पर्सन को हम उस चीज़ से बुला सकते हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन. प्लेस और थिंग, जैक. जैक नोज हाउ टू प्ले द गिटार. नाउ आई एम कॉलिंग ओनली जैक. तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, सो इट्स अ प्रॉपर नाउन. हैव यू एवर बीन टू इंग्लैंड. क्या आप कभी इंग्लैंड गए हैं? यहाँ पे एक कंट्री के बारे में बात हो रही है, दैट इज प्रॉपर नाउन. टास्क, सर्कल द कॉमन नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स इन द ग्रिड एंड राइट देम इन द करेक्ट कॉलम्स. हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे?
इस ग्रेड में हमको कुछ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दिए गए हैं, हमें उनको सर्कल करके ग्रेड में लिखना है, इन कॉलम्स में लिखना है। सबसे पहले हम जाते हैं कॉमन नाउन के लिए। यहाँ पे मुझे कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं जो कॉमन नाउन हैं। सबसे पहला वर्ड है पॉकेट, POCKET, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। उसके बाद मुझे जो यहाँ पे कॉमन नाउन दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, वो दिखाई दे रहा है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। उसके बाद आ जाते हैं, मुझे यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है इंडिया, तो इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ द कंट्री। उसके बाद मुझे एक और यहां पे नाम दिखाई दे रहा है, दैट इज केन्या, केन्या, KANYA, अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन। फिर मुझे यहाँ पे एक और नाउन दिखाई दे रहा है, दैट इज ट्रैक्टर, ट्रैक्टर इज कॉमन नाउन। फिर मुझे एक और चीज दिखाई दे रही है यहाँ पे, की, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन। यहाँ पे मुझे एक और कंट्री का नाम दिखाई दे रहा है, अमेरिका। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक और वर्ड दिखाई दे रहा है, याक, इट्स अ प्रॉपर नाउन। और मुझे यहाँ पे एक और कॉमन नाउन दिखाई दे रहा है, प्रॉपर नाउन सॉरी, टर्की, इट्स अ नेम ऑफ द कंट्री। सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट दिस टू कॉमन नाउन्स। राइट फोर प्रॉपर नाउन्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन नाउन्स। आई विल राइट टू फॉर यू हियर। द फर्स्ट वन इज इंडिया, द सेकेंड इज अमेरिका, रिवर्स, इट्स गंगा, यमुना, कार्टून कैरेक्टर्स ऑगी एंड शिनचैन, एस, एंड द बुक्स आर वर्तिका एंड मेधा। Underline the proper nouns and circle the common noun in these sentences. हमको क्या करना है कि proper nouns को इसमें हमको circle करना, underline करना है sorry, और common noun को हमें क्या करना है, circle करना है। चलिए find out करते हैं। Mr. Bhatt is my favorite teacher. जब हम किसी particular person का नाम लेते हैं तो वो proper noun होता है, क्योंकि किसी और का जरूरी नहीं है कि मिस्टर भट्ट एक ही हो, तो मिस्टर भट्ट हम पर्टिकुलरली उनके बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज प्रॉपर नाउन। तो हमको क्या करना है, प्रॉपर नाउन को अंडरलाइन करना है। और माय फेवरेट टीचर, सो मैंने अभी आपको बताया टीचर सब सबके सारे एजुकेटर्स के लिए अगर एक वर्ड है तो वो है टीचर, तो इसको हम सर्कल करेंगे। जैक एंड टेड आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है जैक, टेड। और यहाँ पे अगर बात करें फ्रेंडशिप की, जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड इज कॉमन नाउन हेयर, हमें कॉमन नाउन को सर्कल करना है फ्रेंड्स। वडोदरा इज अ ब्यूटीफुल सिटी, तो प्रॉपर पर्टिकुलर नेम है तो वो है वडोदरा, वडोदरा, दैट इज प्रॉपर नाउन, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। एंड इज अ ब्यूटीफुल सिटी,
तो सिटी इज अ कॉमन नाउन, इसको हम सर्कल करेंगे. द गर्ल जानकी इज गुड इन स्टडी. यहाँ पे प्रॉपर नाउन है जानकी और कॉमन नाउन है गर्ल, सबके लिए. हाँ, अगर बहुत सारे तो हम सबको गर्ल बोल देते हैं, पर्टिकुलरली किसी को नेम से बुलाना है तो उसका नेम हो गया जानकी. रिट्रैक्ट. नाउ कम टू रिट्रैक्ट. थ्री, कलेक्टिव नाउन. अभी आ जाते हैं नाउन के नेक्स्ट काइंड पे, दैट इज कलेक्टिव नाउन. नाउन दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स. जब बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं उसको टीम कहा जाता है. तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन फॉर ऑल. सबका नाम ना लेकर हम क्या कह देंगे, टीम कह देंगे. सिंगल ग्रेप है तो वो ग्रेप्स में आ जाएगा, बहुत सारे हैं तो वो बंच में आ जाएगा, बंच हम उसको बोल देंगे. तो अगर एक है तो वो थीफ हो गया, रॉबर हो गया, बहुत सारे हैं तो बैंड ऑफ रॉबर्स आ जाएगा. नाउन दैट स्टैंड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स, थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. इंडियन टीम प्लेड वेल. इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला. किसी पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में यहाँ बात नहीं हो रही है फ्रेंड, पूरी टीम के बारे में हो रही है. बहुत अच्छा खेला है तो टीम इज अ कलेक्टिव नाउन. द पुलिस कॉट द बैंड ऑफ रॉबर. किसी एक रॉबर की बात नहीं हो रही है, पूरा बैंड पकड़ा है रॉबर्स का. तो बैंड हेयर इज अ कलेक्टिव नाउन. टास्क. सो हेयर इज अ टास्क फॉर अस, वी हैव टू फिल द कलेक्टिव नाउन. The harvest was totally destroyed by the. जो harvest है वो totally destroy कर दिया है, हमारी खेती पूरी तरह बर्बाद कर दी है. किसने? The plague of locusts. हमारी जो है पूरी खेती बर्बाद कर दी है, the plague of locusts. इसको fill करेंगे number one. What is your verdict? जेंटलमैन ऑफ दी ज्यूरी. जो पूरी ज्यूरी होती है, जजेस के पैनल को हम क्या बोलते हैं, ज्यूरी. टू और थ्री, एक सिंगल है तो एक जज हो गया, टू है, थ्री है, फोर है, तो ज्यूरी आ जाता है, उसके लिए कलेक्टिव नाउन. हैव यू एवर सीन अ स्क्वायरल पोड ऑफ नट्स. सो दिस इज द थर्ड वन चिल्ड्रन. The dash listen in breathless silence to playback singer. एक है, दो हैं, पर बहुत सारे लोग हैं किसे प्रोग्राम या फिर कार्यक्रम को देखने के लिए, तो उनको हम ऑडियंस हम यूज करते हैं. वहां पे कलेक्टिव नाउन आएगा ऑडियंस. तो यहाँ पे आएगा द ऑडियंस लिसन इन ब्रेथलेस साइलेंस टू द प्लेबैक सिंगर. सो इट्स फोर्थ. Did you watch the dash of dancers performing at the concert? Band of dancers. क्या आपने band dancers के band को perform करते हुए देखा है? So it's fifth one. The rich man owns a dash of cars. बहुत ज़्यादा उसके पास बेड़ा है, उसके पास बहुत सारी क्या है, fleet of कार्स आ जाएगा यहाँ पे. चिल्ड्रन, वी हायर्ड अ डैश ऑफ म्यूजिशियंस टू प्ले एट द पार्टी. हमने क्या करा है, ट्रूप ऑफ म्यूजिशियंस टू प्ले एट द पार्टी. अ डैश ऑफ वेल्स, अ स्कूल ऑफ वेल्स, अ स्कूल ऑफ वेल्स. हाँ, इसके ग्रुप को हम स्कूल ऑफ वेल्स यहाँ पे बोला जाता है, ये इसका कलेक्टिव नाउन है. द शिप हैड अ डैश ऑफ अ 100 सेलर्स. क्या आएगा यहाँ पे, क्रू ऑफ अ 100 सेलर्स. सो दे वर अटैक्ड बाय अ ट्राइब ऑफ नेटिव्स. सो दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स वी हैव टू फिल इन दिस टास्क. नाउ वी विल स्टडी द अदर काइंड्स ऑफ नाउन. रिट्रैक्ट. मटीरियल नाउन. Material nouns stand for non-living things like material. कुछ non-living things like हम bricks के बारे में बात करेंगे, wood के बारे में बात करेंगे. Example में यहाँ पे दे रखा है,
तो वहां पे हम किसी भी सब्सटेंस के बारे में, जो नॉन लिविंग थिंग है, टेबल, चेयर, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। किसी मटेरियल के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, या फिर किसी इंग्रेडिएंट फॉर मेकिंग थिंग्स, किसी भी थिंग्स को बनाने के लिए कोई इंग्रेडिएंट यूज होता है तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर द नेम ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस, जो फीलिंग्स और इमोशंस के नेम होते हैं ना, जैसे कि केयरलेसनेस, जैसे कि फियर हो गया, हैप्पीनेस, सोरो, ऑल दीज आर द अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये भी नाम है, फीलिंग्स के नाम है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नेम ऑफ फीलिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज और स्टेट्स विच वी कैन नॉट टच, सी एंड फील, जो दिखती नहीं है बस, बट ओनली फील, बस महसूस करते हैं, डर लग रहा है, ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, फीलिंग है, दिखेंगी नहीं, बस महसूस करेंगे। सर्कल द अब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, हमको सर्कल करने हैं। वी शुड नॉट जेलसी, वी शुड नॉट शो जेलसी व्हेन अदर्स आर सक्सेसफुल, जब कोई सक्सेसफुल होता है तो हमको उससे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो ईर्ष्या यहाँ पे दिखती नहीं है, एक फीलिंग है, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारा जेलसी। महात्मा गांधी फॉट फॉर द फ्रीडम, लड़े हैं किसके लिए, आज़ादी के लिए। आज़ादी दिखती नहीं है, बस आप महसूस कर सकते हैं, इट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई लॉस्ट माई पर्स बिकॉज ऑफ द केयरलेसनेस, दिखाई नहीं देती है लापरवाही, पर महसूस कर सकते हैं, तो यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा आपका। न्यू बल्गरी कॉज डिस्टर्बेंस इन द सिटी, हमें डिस्टर्बेंस हुई है, कुछ दिखेगा नहीं, महसूस करेंगे कि डिस्टर्बेंस हो रही है, इट्स अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रेंड्स। मैंगोज ग्रोन इन मालदा आर नोन फॉर इट्स स्वीटनेस, मिठास दिखती नहीं है पर महसूस की जा सकती है, सो इट्स अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आई कैन हेयर मूवमेंट इन द कॉरिडोर, इज दैट अ थीफ, मूवमेंट महसूस हो रही है कुछ, तो वो दिखेगी नहीं पर फील होगी। सो नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन्स, रिट्रैक्ट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, वेरी सिंपल, द नाउन्स टू हूम वी कैन काउंट, हु आर काउंटेबल बाय अस आर कॉल काउंटेबल नाउन्स, नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल काउंटेबल नाउन्स। एंड रीड दी सेंटेंसेज, आई हैव 5 बुक्स, गिन सकते हैं आप बुक्स को ईजिली, तो वो काउंटेबल है। तो जिसे भी चीज़ को भी आप काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल काउंटेबल नाउन, और जो आप काउंट नहीं कर सकते, दैट इज हेयर्स, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। रीड दीज सेंटेंसेज, द वॉटर ऑफ दिस पॉन्ड इज वेरी क्लियर, कैन यू मेजर द वॉटर, कैन यू काउंट, नो, सो इट इज अनकाउंटेबल। फूड इज टेस्टलेस विदाउट साल्ट, तो साल्ट हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन। अंडरलाइन द नाउन्स, अंडरलाइन द नाउन्स एंड स्टेट वेदर दे आर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, इट्स एन एक्सरसाइज फॉर। आई हैव ब्रॉट सम चेयर्स, अब चेयर्स के बारे में बात हो रही है, तो चेयर्स आर नाउन्स है एंड चेयर्स आर काउंटेबल, सो सी। हैव यू गॉट इनफ नेल्स, नेल्स आर काउंटेबल। हैव मच मनी डू यू, हाउ मच मनी डू यू अर्न, सॉरी, सो इट्स काउंटेबल, मनी कैन बी काउंटेबल ईजिली। राइस इज स्टेपल फूड ऑफ साउथ इंडियंस, वी कैन नॉट काउंट, इट्स अनकाउंटेबल। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रेट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, द ग्रास इज अनकाउंटेबल। प्लीज विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इंफॉर्मेशन, अनकाउंटेबल। वी हैव नॉट मेड एनी प्रोग्रेस सो फार, प्रोग्रेस इज नॉट काउंटेबल, इट्स अनकाउंटेबल। सो रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, प्रोवोकेशन, read the following sentences and identify the type of noun used, so you will solve this problem friends. Thanks for watching.